तमिलनाडु में इलेक्शन का पहला चरण शुरू होने वाला है। तमिलनाडु में बीजेपी पूरी जोर लगा रही है। अपनी पूरी जोर लगाने के बावजूद भी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है, सीट खाली, कुर्सियां खाली, लोग इनको सुनते नहीं है। मोदी जी जान से कोशिश कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन तमिलनाडु के लोग इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक बड़ी नारा वहाँ उछल रही है, 28 पैसे वाला PM। अब 28 पैसे वाला PM क्या है? आपको याद होगा तमिलनाडु में 2 दिसंबर 2023 को मिचौन साइक्लोन आया था, जिससे तमिलनाडु में कोई 6-7 दिन काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी वर्षा हुई और कम से कम 17 लोगों की जाने गई। इस संदर्भ में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की मांग की थी, लेकिन वहां मिला एक ढेला भी नहीं। यहाँ तक कि GST के पैसे भी वापस नहीं दिए गए थे। लोगों को काफी कठिनाई हुई थी और विकास के कार्य रुके पड़े हुए। अब वही तमिलनाडु में केंद्र सरकार काफी हाथ पैर मार रहा है, जो किसी प्रकार से वहाँ खाता खोल। स्थिति यह है कि तमिलनाडु में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहाँ हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया। किसी भी प्रकार से मोदी का प्रयास वहाँ सफल होते नहीं दिख रहा है। और लोगों का 28 पैसे वाला प्रधानमंत्री कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के खून पसीने की कमाई जब केंद्र सरकार को 1 रुपये जाती है तो वहां से लौट के 28 पैसा ही आता है। और इसलिए यह नारा बड़ी जोड़ों पर है और बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है। जिस प्रकार से तमिलनाडु के साथ केंद्र सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, वह वहां के लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। यूपी में 1 रुपये के बदले 2 रुपये मिला था राहत के नाम पर। गुजरात में भी यही हुआ था, प्रधानमंत्री खुद दौरा किए थे और खूब पैसे बांटे थे, लेकिन जब तमिलनाडु की बात आई तो तमिल लोगों को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री के हर हथकंडे वहां फेल नज़र आते हैं और प्रधानमंत्री चाहता है कि किसी भी तरह से वहां खाता खुले। अब देखिए लोग इनका जवाब कैसे दे रहे हैं।